झारखंड के कुछ इलाकों में इन दिनों अजीब सा खौफ है, जो खास तौर पर वहां की मुस्लिम महिलाओं में देखा जा रहा है। खौफ का आलम यह है कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर बुर्का पहनकर निकलने को मजबूर हैं, हिंदू लड़कों से बात न करने को मजबूर हैं, और अगर किसी ने बात कर ली तो उसकी खैर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। झारखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको यकीनन तालिबान राज की याद दिला देगी। कुछ साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हुए तख्ता पलट के बाद वहां तालिबान राज कायम हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह वहां की महिलाओं पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई। खुले आसमान में घूमने वाली महिलाएं आज बुरके के नीचे खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, अपनी आजादी के लिए जलसे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और अब ठीक वैसा ही नजारा हमारे देश के एक राज्य झारखंड में देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस इलाके में तालिबान राज कायम हो गया है। झारखंड में इन दिनों एक सेना ने आतंक मचा रखा है जिसका नाम है आदम सेना। बताया जा रहा है कि आदम सेना नाम का ये संगठन वहीं की मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोप रहा है, उन्हें बुर्का पहनने को मजबूर कर रहा है और ये चेतावनी दे रहा है कि वो हिंदू लड़कों से बात न करें, हिंदुओं से दूर रहें, और अगर कोई महिला शरिया के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो मार कर फेंक दिया जाएगा या उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। बेहद हैरत अंगेज ये मामला झारखंड के रामगढ़ इलाके से सामने आया है, जहां आदम सेना नाम के इस संगठन ने आतंक मचा रखा है। इतना ही नहीं, शरिया कानून के नाम पर ये गुंडे लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आदम सेना के धमकी भरे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। साथ ही एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग देखे जा सकते हैं। इस भीड़ के बारे में दर्ज करवाई गई शिकायत में बताया गया है कि आदम सेना के लोग कहते हैं कि हम किसी प्रशासन को नहीं मानते, हम सिर्फ शरिया कानून को मानते हैं, कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, हम किसी की नहीं सुनेंगे। रामगढ़ के राजप्पा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक मुस्लिम महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उसके ही गांव का एक शख्स जिसका नाम है साबिर अली, उसने दिसंबर 2023 में भी महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही महिला ने अपने बचने के लिए शोर मचाया तो उसके साथ मारपीट की गई थी, और अब एक बार फिर आरोपी उस महिला पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आदम सेना के कई तरह के पोस्टर्स भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं के लिए धमकी भरी चेतावनियां लिखी गई हैं। इस घटना को लेकर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और इस मामले में चंपई सोरेन सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, झारखंड में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोपने का काम चल रहा है। आदम सेना नाम का गिरोह बनाकर कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं से बातचीत नहीं करने का दबाव बनाते हुए घरों में घुसकर छेड़खानी भी कर रहे हैं। याद रहे, झारखंड देश के संविधान से चलेगा, किसी शरिया शरीयत से नहीं। मुख्यमंत्री जी वोट बैंक के लालच में आदम सेना जैसे गिरोह को संरक्षण देने के बजाय इनके नापाक मंसूबे को कुचलने का काम करें। हालांकि इस मामले को लेकर एक तर्क ये भी सामने आ रहा है कि ये एक जमीनी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम महिला निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची। महिला के मुताबिक आदम सेना के लोगों ने उसके घर में घुसकर छेड़खाने की कोशिश की और बात न मानने पर उसके साथ दुष्कर्म करके फेंक देने की धमकी भी दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महिला की ओर से लगाए गए आरोपों पर झारखंड पुलिस और सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर इस मामले में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये बेहद हैरान और परेशान करने वाली बात है। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, किसी शरिया कानून या पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।